दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन. एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9. बहुत दिनों से मन ललचा रहा था कड़ी कचौरी खाने के लिए, अजमेर का जो प्रमुख नाश्ता है, और दुकान भी सिर्फ एक ही खुली हुई मिली आज पंडित कचौरी वाला. तो आज यहाँ से कचौरी लेकर के जा रहे हैं परिवार के लिए ताकि वो पुराने टेस्ट को याद कर सकें. आज पूरे 2 महीने ट्रेनिंग में आपका नाम मोहित सरस्वती के अंदर कचौरी के लिए तरस गए थे, आज इच्छा पूरी हुई है. तो आपके माध्यम से सरकार के प्रशासनिक से जो टास्क का टाइम दिया है वो बहुत ही अच्छा है. खुशी की लहर है, थोड़ी थोड़ी मार्केट के अंदर आ रही है और एक बहुत खुशी हो रहा है कि भाई यहाँ पर दुकानदारों के अंदर भी थोड़ी सी वो हो रही है कि हाँ भाई मार्केट धीरे धीरे खुलने लगा. सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. मास्क बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है अगर अपने जीवन को चलाना है. हम मार्केट वाले हैं, मार्केट के अंदर भी बैठे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेन ज़रूरी है. अगर इसमें नुकसान होगा तो हम दुकानें वापस से बंद कर देंगे. आपका नाम? मेरा नाम अजय कुमार सेन. मैं अजमेर से कचहरी रोड पर पंडित कचौड़ी वाले की दुकान से. अजमेर में 52-53 दिन के लॉकडाउन के बाद लोगों के चटपटा खाने की कचौड़ी की भावना को देखते हुए सरकार के इस आदेश को प्रोत्साहन को वायदा देता हूँ कि जिन्होंने आज प्रशासन ने खोलने का दिया और लोग चाट पकौड़ी खाने के शौकीन लोगों की भीड़ लगने लगी, इनको हमने डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा है, साफ़ सफाई से माल बनाया पहली बार आज लॉकडाउन के बाद. और सरकार ने जिस प्रकार कोरोना को बचाने के लिए लोगों को अपने आप में सुरक्षित और साफ़ करने के लिए कहा है, अपने आप में साफ़ स्वच्छ रखना, दूरी बनाए रखना, ग्लव्स पहनना, मास्क लगाना ये अत्यावश्यक है. हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे और इस प्रकार से लोगों को दूरी से रखते हुए इनकी कचौड़ी का स्वाद देने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर किया है. आज पहला दिन और बहुत भीड़ होने का चांस, लोगों की पूरी डिमांड कि चाट पकौड़ी का स्वाद भूल गए, उस स्वाद को लेते हुए हमने आज पहली बार किया. नाम? मैं पंडित कचौड़ी वाला कचहरी रोड से के शर्मा. सरकार नहीं करेगी इलाज, अपने को करना है भैया, बिजनेस बनाए रखो. ये वायर दे दो मुझे, इसको लगाओगे कभी.